떠올려 살아. 아버지! चलिए खाना खा लीजिए, उठिए। दिन में इतना नाश्ता चिल्ला रहे थे, तब से आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है शुक्ला, नींद आ रही है, सोने दो हमें। इतनी तकलीफ हो रही है आपको, काहे राधे लल्ला को घर से बाहर निकाला? नींद आ रही है, सोने दो हमें। लाइट बंद कर। राधे जी, मम्मी जी से एक बार बात कर लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। कृष्णा जी, हमें किसी से बात नहीं करनी है। अगर मम्मी जी और पापा को लगता ना कि हमारे बिना रह लेंगे, तो हम भी बात नहीं करेंगे उनसे। कैसी हो बिट्टो? हमारे ख्याल से अब हमें नए सिरे से अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए। लो रखो इसे भैया, चाय पियो गरम गरम। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बुआ जी। बिट्टो कैसी है, कहाँ है? बेटा हमारे ऐसे भाग कहाँ, जो मांगे वो हो जाए। आने से मना कर दिया उसने। मना कर दिया? हाँ बेटा, बहुत समझाया उसे, जैसे भूत सवार था। नहीं, घर वापस नहीं आना। मेरे चाचा जी तो तलाक के कागज भी ले गए थे, पर एक नहीं सुनी। कहने लगी घर को सुधारना है, उन लोगों को सुधारना है, राधे को उसकी जरूरत है। अब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया बेटा। चाचा जी, बुआ जी, वो जाहिलों का घर है। आपको बिट्टो को वहां से वापस लाना चाहिए था। बिट्टो इससे बेहतर लाइफ डिजर्व करती है चाचा जी। ठीक है, हम जा रहे हैं बिट्टो को वहां से लाने। वो हमारी बात समझती है, हमें मानती है। हम लेके आएंगे बिट्टो को घर वापस, अभी। अरे प्रशांत सुनो बेटा, प्रशांत भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्रशांत को बिट्टो के ससुराल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पहले से इतना रायता फैल गया है, वो क्या तो कोई बड़ा कांड हो गया तो। राधे जी, राधे जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कृष्णा जी, सुबह हो चुकी है और पापा जी ना इस वक्त दुकान के लिए निकलते हैं। इस वक्त उनसे मुलाकात हो जाएगी, बाद में वो बहुत व्यस्त हो जाते हैं, हम निकलते हैं। राधे जी, अभी इस तरह? कृष्णा जी, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम जानना चाहते कि हमें ऐसे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं वो। पर राधे जी,
पापा जी से इस तरह अभी मिलेंगे तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। उनका गुस्सा कम होने के इंतजार कर लेते तो आप। कृष्णा जी, हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें बात करनी है तो बस करनी है, हम मिलते हैं। एक मिनट आप रुकिए, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम ऐसे अकेले आपको नहीं जाने देंगे, हम अभी तैयार होकर आते हैं। अरे बुआ जी, हम अभी बहुत जल्दी में हैं, बाद में बात करते हैं। फोन मत रख, सुन, बहुत गड़बड़ हो गया है। परसान जो है यहाँ से निकल गया तेरे ससुराल के लिए, तेरे पापा जी को कह के गया कि तुझे वापस लेके आएगा। बेटा ऐसा हुआ ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तू कैसे करके भी रोक परसान को, रोक उसे। ये नहीं हो सकता, ऑलरेडी यहाँ बहुत कुछ हो गया है। ओह गॉड, बुआ जी आप फोन रखिए, हम कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा बेटा। प्रशांत जी, प्रशांत जी, फोन उठाइए प्रशांत जी। इस माहौल में प्रशांत जी वहां पहुंच गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी भैया, ये देखो, ये आए नवाब साहब। क्या बात है राधे? नहीं कुछ नहीं भैया, बात क्या होनी है, हमें बस पापा जी से मिलना है, अभी तक आए नहीं। नहीं आए पापा जी, मेहरबानी है महाराज आपकी और आपकी सेनापति कृष्णा की। वो आदमी जिसकी एक खुनकार पर साले पूरी फैमिली खड़ी हो जाती थी, वो आदमी जिसके मूंछों के ताव देने पर ना पूरी फैमिली ताव में आ जाती थी, आपकी असीम कृपा से कल रास्ते बिस्तर से नहीं उठाए। हाँ तो आप हमें क्या बोल रहे हैं, हम तो आए ना बात करने के लिए पापा जी से, हमने थोड़े ना बोला था कि हमें घर से बाहर निकाल दो। ये ताव किसको दे रहे हो बे? बहुत जुबान निकालाई तुम्हारी, अलग से जुबान निकाल के ना गले में लपेट के दुकान पे टांग दे त्रिलोकी। नहीं हाँ बहुत देख रहे हो इसके साले के, अभी एक मारेंगे ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। तो फिर मार लो आप भी, मगर हम तो पापा जी से मिल के जाएंगे। देख रहे हो आप, पापा जी घर पे आए नहीं, थोड़ा संयम रखो राधे, तभी कुछ ठीक हो पाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।